हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साक्षी बुधौलिया है। अच्छा, साक्षी। दिनेश बुधौलिया जी आपके क्या थे, ताऊ थे? जी, मेरे जी जी ताऊ जी थे। आज उनकी पुण्यतिथि है जी। इस मौके पे आपको क्या कहना है? जी, इस मौके पर मैं कहना है, बहुत सारे गणमान्य नागरिक यहाँ पे उपस्थित हुए, उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी। और हर बार की भांति इस बार भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। हम चाहते हैं कि हर वर्ष ऐसा चलता रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक समस्या ये है, हम जो जिसकी वजह से हमने मेन मार्ग अपना रोड से किया था। अच्छा। ताकि यहाँ पे असामाजिक तत्व ना आए और यहाँ पे सही अच्छे लोग आए, लेकिन दिक्कत ये है, हमारा मार्ग सीधा होने के कारण भी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नशे करते हैं और यहाँ पे गुटखा खा के थूकते हैं, गंदगी बनी रहती है और खासकर युवा पीढ़ी इसमें ज्यादा शामिल है। बिल्कुल। तो युवा जो है, पीढ़ी ये नहीं देखती कि यहाँ पे ये जो प्लेस है, ये जो जगह है किनकी है, उनको मन में श्रद्धा भक्ति नहीं आती, सम्मान नहीं आता कि इन्होंने देश के लिए इतना हमारे लिए कुर्बानी दी है, जी, जी, जी। और वो लोग यहाँ पे आके गंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बेहद अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, लेकिन हाँ, लोग समझते नहीं है। बिल्कुल, ये लोगों को सोचना चाहिए और प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। मेरे उनसे दरख्वास्त है पुलिस प्रशासन से कि यहाँ पे थोड़ा सा गश्त लगवाइए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा लोग अच्छे आके रहे। हम लोग सोचते हैं कि कभी आके यहाँ पे आए, लेकिन देखते हैं कि कोई सुरक्षा की वो नहीं है। लड़कियाँ आती हैं, हम आते हैं अपनी सहेलियों के साथ में, बिल्कुल यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है और बहुत असामाजिक तत्व आते हैं, नशे करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, बताइए, एक समाधि स्थल को एक लोगों ने नशे का स्थान बना दिया है, कितनी दुखद बात है। और इस पे वाकई आपने सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, देखिए कितना शानदार, यहाँ बढ़िया एक पार्क बना है और एक समाधि स्थल है ये, लेकिन उसका हाल लोगों ने क्या कर रखा है। ये आज समाधि स्थल पर पुण्यतिथि मनाई गई तो यहाँ पर संभ्रांत नागरिक आए, लेकिन बाकी दिनों में क्या होगा, ये एक सोचने की बात है और इस पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा घर में मुन्नी कहते जी, वैसे पुष्पा। अच्छा, तो हाँ, आप शहीद दिनेश बुधौलिया जो बहन थे, है उनकी बहन है? हाँ, एक ही बहन थी। अच्छा, सही बहन। क्या बात है, तो आप कहाँ रहती हैं? हम छतरपुर में। अच्छा, तो आप छतरपुर से आई हैं जी। चलिए, तो कुछ उनके बारे में बताइए कि आप इस जगह को कैसा महसूस करते हैं, ये जो जगह है। इस जगह में तो हम लोग ऐसा लगता कि वो है यहाँ पर जी जी। और अभी पूजा हुई, एकदम से देखा आपने, फूल एकदम हवा आई, फूल गिरे। अच्छा। मतलब वो ऐसा लगता कि जैसे वो आए हो थोड़ी देर के लिए है। और वो महान आत्मा थे और बहुत त्यागी से थे, गृहस्थी लेकिन बहुत त्यागी थे वो जी। मतलब उनका बहुत साहसी, हिम्मती और किसी का भी सामना करना, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे कोई कोई भी हो, सब बुंदेलखंड के गौरव थे हमारे, बुंदेली जी। बस इतनी विनती है हमारी कि यहाँ स्वच्छता रहे सीढ़ियों पर जी, जी, जी। है, ये गंदगी फैलाते हैं लोग बाग आके, लोग बाग आके यहाँ शराब पीते हैं और गंदगी फैलाते हैं। ये सम्मान है शहीद का एक। और ये नगर पालिका में भी क्या है कि जैसे अब 3 दिन से लोग परेशान हो रहे साफ सफाई के लिए जी, तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है, खुद सफाई नहीं की नगर पालिका ने। आए हैं जब 3 दिन परेशान हुए, तो स्वतः आके करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, करना चाहिए। तो ये सूचना दी है, लेकिन नहीं तो उनको सूचना दी थी आप लोगों ने? हाँ, दी तो थी, बता तो रहे कि 2 दिन से, फिर आज आए हैं। आज आए हैं, हाँ, साफ सफाई की है। अच्छा, तो जैसे एक आध 2 दिन पहले 2 आदमी भेज दे तो साफ सफाई हो जाए, पुताई हो जाए, धुलाई हो जाए, जो गंदगी पड़ी है पैरों में लग लग के आ रही है। बिल्कुल, उनने तो पूरा कर्तव्य निभाया। अब हमारा इधर महोबा वासियों का है कर्तव्य की कुछ उनके प्रति, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए भाई, हमारे उनका हमारे सम्मान हो और बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी मातृभूमि की शान है वो, शान और उनकी सम्मान में हम अगर इतना भी न कर पाए तो फिर क्या है? जी, जी। और इधर फिर 10-20 तो है, 2-4 शहीद है, उन्हीं का अगर प्रशासनिक या नगर पालिका नहीं ध्यान दे पा रही तो फिर क्या। सही बात है, सही बात है। नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है और ये हम लोग भी इसको लेके देखते हैं और जो हमारा प्रयास होगा हम करेंगे वो, तो और इस बात को आगे पहुंचाएंगे और देश के और अपने महोबा सबके प्रति वो तो निछावर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बलिदान हो गए वो तो जी। धन्यवाद। हमारा जो सबका कर्तव्य है कुछ जी, जी वो हाथ जोड़ के विनती है जी, जी, कि जी वो थोड़ा सा ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज हमारे महोबा के एक वीर सपूत की पुण्यतिथि है, शहीद दिनेश बुधौलिया उनका नाम है। उनकी समाधि कल्याण सागर
का जो तालाब है उधर एक पहाड़ी है उसके ऊपर है, और वहीं हम इस समय आए हुए हैं उनकी पुण्यतिथि पर। उनको सत सत नमन करते हैं जो देश की सीमा पर कश्मीर में शहीद हुए थे और आतंकवादियों से लड़ते लड़ते सन 2000 में, आज ये उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। तो आइए देखते हैं वहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है और आपको लोगों से मिलवाते हैं। ये समाधि स्थल है उनका, इसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, नीचे से चल के हम आए हैं, और ये सामने एक पहाड़ी दिख रही है और इधर से हम लोग डर हुए। ये समाधि पे इस समय हवन चल रहा है, ये सब लोग मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक मिनट, इस सारे लोग देखिए बैठे हुए हैं, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ये शहीद दिनेश बुधोलिया, ये शहीद दिनेश बुधोलिया की मूर्ति लगी हुई है, ये देखिए उनका डिटेल यहाँ पर सब लिखा हुआ है। हवन चल रहा है इस वक्त यहाँ, और ये उनकी समाधि है, यहीं पर उनको उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ये उनका एक पत्थर लगा हुआ है यहाँ, देखिए शहीद दिनेश बुधोलिया, BSF में डिप्टी कमांडेंट थे, और ये 18 जनवरी सन 2000 ये उनकी तस्वीर है शहीद दिनेश बुधोलिया, उनको हम सत सत नमन करते हैं। ये उनके परिजन परिवार की महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सब लोग आए हैं, सभी लोग श्रद्धांजलि देने आइए। पुष्पांजलि कार्यक्रम ओम। ये देखिए मोहित जी हैं और दिल्ली से आए हैं और शहीद दिनेश बुधोलिया जी के बेटे हैं, हम इनसे थोड़ा सा पूछते हैं। मोहित जी नमस्कार, आज आप यहाँ आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो ये बताइए। यहाँ के हमेशा मुझे बहुत शांति महसूस होती है, और जो हवन वगैरह होता है जी जी पिताजी की शांति के लिए, हाँ हाँ करके मतलब बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, और लगता है कि मतलब जब इतने सब लोग इकट्ठे होते हैं तो जी जी लगता है कि वो अकेले नहीं है, सबका आशीर्वाद साथ है, तो हमेशा यहाँ के मुझे बहुत सुकून, मतलब आपको एक ऊर्जा और एक शांति मिलती है। जी, ऊर्जा शांति मिलती है। जी जी जी, आपने आइए भाई दादाजी आइए। तो ये जो है सबसे खास बात इसमें, आज ये जो स्थल है बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना है पहाड़ी के ऊपर, तो देख के मन खुश हो जाता है जो भी आता है प्राकृतिक, हाँ उसे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत जगह आ गए हैं। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए कि आपके पापा जब चले गए तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मैं करीब 12 साल का था उस टाइम पे। अच्छा, और आपके घर में और बड़े भाई भी हैं आपके, उनकी उम्र कितनी थी? वो करीब 18 साल की उम्र। अच्छा अच्छा, तो और आपके और घर में कौन कौन है? दीदी है मेरी, वो उस टाइम पे 14 साल की थी। अच्छा 16 साल। अच्छा 16 साल की। सबसे बड़े भाई हैं आपके, क्या नाम उनका? अर्पण। अर्पण वो इस समय क्या कर रहे हैं? वो डॉक्टर हैं। अच्छा दिल्ली में डॉक्टरी कर रहे हैं, वो अभी वो प्राइवेट जॉब में है। अच्छा अच्छा, और आप इस समय कौन से जॉब कर रहे हैं? मैं रिसर्च की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दिल्ली में है। और आपकी सिस्टर? दीदी भी डॉक्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग यहाँ आ जाते हो। अच्छा आप लोगों को महोबा की याद भी आती होगी कि नहीं? कभी नहीं, बिल्कुल आती है, आते रहते हैं हर साल, एक एक कोई ना कोई तो आता ही परिवार से, कोई ना कोई नहीं आ पाते बट हर साल। अच्छा अपना बुंदेलखंड क्षेत्र बड़ा पिछड़ा माना जाता है, इसको लेके कभी कोई फीलिंग कुछ आपके किस तरह से? बिल्कुल लगता है मतलब इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल्दो हुआ है पिछले 4-5 साल में जी, जब से मतलब नई सरकार आई थी मोदी जी की सरकार के समय कुछ काम हुआ है, उसके बाद से काफी डेवलपमेंट दिख रहा है, बट अभी भी काफी अभी स्कोप है। हाँ हाँ, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है जी। उसमें दिल्ली में जो लोग रहते हैं बुंदेलखंड के, वो इसमें थोड़ा सा चाहें तो कुछ बुंदेलखंड के लिए कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? मेरे ख्याल से लाखों लोग वहाँ रहते हैं। बहुत बहुत लोग रहते हैं। अच्छा, वहाँ संगठन भी कोई है बुंदेलखंड वाले?
अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है बट अच्छा। पता जरूर करूंगा। जी 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 चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। नमस्कार, बताइए आप भी कुछ थोड़ा सा। ओम आनंद से हैं जी। अच्छा, सब लोग जो हैं हाँ इसी तरह से सहयोग मिलता रहे जी, तो आत्मा को शांति जी। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। दादाजी क्या नाम आपका? रमेश चंद्र भदौलिया। जी जी जी। अच्छा, दिनेश भदौलिया जी जो थे वो आपके छोटे भाई थे? हाँ। जी जी चलिए, तो आप गांव में रहते हैं कि यहीं? मैं ज्यादातर समय अपना गांव में देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ गांव ज्यादा अच्छा है, महोबा और फिर दिल्ली तो उतना कहाँ उतना आनंद है, गांव में जो मजा है वो यहाँ कहाँ। थोड़ी सुख सुविधाएं। जी जी जी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र 90 के लगभग। 90 हो गई और आप ऊपर आ गए? जी हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज जो वो माता जी नहीं आ पाई भदौलिया जी की, दिनेश जी की नहीं थी माता जी, वो नहीं आ पाई है। भोपाल में। अच्छा भोपाल में। सर्दी की वजह से नहीं आ पाई। अच्छा एक मिनट। अच्छा अच्छा चलो। बड़े उनके भाई हैं, क्या शुभ नाम है सर आपका? एके भदौलिया, बच्चन बोलते हैं। अच्छा अच्छा, नाम बच्चन। अच्छा जी, आप बताइए थोड़ा सा उनके दिनेश भदौलिया जी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब ये घटना घटी तो आप लोगों ने उस समय क्या कैसा महसूस किया, क्या उस समय? हाँ, मैं एहसास दे दिया था रात में जी, एक बहुत बड़ा सपना आया था। हाँ, तो हम तो रात में मतलब फिर सोए नहीं और सवेरे पेपर में आ गया, वो मोबाइल आ गया वहाँ से, फोन अच्छा, आ गया। हाँ, ऐसा ऐसा हो गया, तो एकदम सब घबराहट में हो गए थे सब लोग। अच्छा, रात को आपको एकदम सपना सा आया? बहुत बुरा, उन्होंने बिल्कुल आके बता दिया था और एकदम से ब्लास्ट हुआ और वो मतलब धुएं में खो गए भाई साहब। अच्छा, घटना कैसे हुई थी थोड़ा सा बताइए विवरण, कैसे मृत्यु हुई? ये था कि उस समय अटल बिहारी जी ने सीज फायर कर दिया था। अच्छा, ये कारगिल युद्ध जब चल रहा था। हाँ, सीज फायर कर दिया था पाकिस्तान जाके, तो वो अब जो मिलिटेंट आतंकवादी आते थे गोली नहीं उनको चला सकते थे, तो वो जो छिपे रहते थे बीएसएफ के डर के कारण वो सब मैदान में आ गए। जी जी। रात में इनके कैंप में हमने अटैक किया उससे मोर्टार और उससे। अच्छा, तो केवल ये लोग सर्च ऑपरेशन में गए थे। उस समय उनने करीब जो इनके साथ थे वो यहाँ आए थे, वो बता रहे थे कि साहब ने उस बार कई गाड़ियां कई ड्राइवर बदले, और हमने बोला कि पैदल पैदल निकलते हैं, तो बोले नहीं। और वहाँ वो घात लगाए थे, उनके टारगेट में थे करीब 60-62 आतंकवादी मारे थे, तो हिट लिस्ट में थे। अच्छा, भदौलिया यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर जो त्राल के पास एक चंकी पाड़ा ब्रिज है, वहाँ पे उनने नीचे जहाँ से गाड़ी जाती है नीचे गड्ढा खोद के ऊपर गोबर रख के नीचे आईडी ब्लास्ट लगा दी। अच्छा अच्छा, जैसी कमांडेंट की गाड़ी निकली। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब चलिए देश के लिए जो इस तरह से कुर्बानियाँ दी उनकी समाधि में भी बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बनाने में नहीं, आप लोगों का सबका, हम तो सबका सहयोग रहा है और सबके हम तो बिल्कुल नहीं नहीं बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम आपका? अवनी कुमार भदौलिया। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? भोपाल। अच्छा, भोपाल में रहते हैं, तो उनसे छोटे हैं ना आप? हाँ, नेक्स्ट उनसे छोटे हैं। अच्छा, उनसे जस्ट छोटे आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, उनके एक साथी हैं, मित्र हैं, उनसे पहले बात कराएं, उनके भाई भी बैठे हैं। एक मिनट। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप तो दिनेश भदौलिया जी के मित्र हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि वो कैसे, उस समय की कुछ यादें आपकी, कुछ कोई महत्वपूर्ण घटना उनसे जुड़ी हुई दिनेश भदौलिया जी से? भाई दिनेश भदौलिया जी जब यहाँ आते थे जी जी, तो मेरी क्लिनिक पे दिन में कम से कम वो 4 बार तो आते थे। अच्छा अच्छा, और हम लोग कक्षा 6-7-8 से लेके जी और इंटर तक, और इंटर के बाद से मैं डॉक्टरी बीएमएस करने उतरा गया और वो बीएससी करने गए। अच्छा, वहाँ तक हम लोगों का निरंतर साथ रहा जी, बहुत ही अच्छे और कर्मठ व्यक्ति थे। जब इनकी ये साथ पढ़ते रहे, हाँ मैंने बताया जी, तो इसके बाद अतर्रा के बाद से जब सीबीआई में चले गए, सीबीआई में इनसे हमारा कुछ दिन के लिए संपर्क कट गया। अच्छा, इसके बाद ये अपनी सर्विस चेंज करके। अच्छा, ये बताइए समाधि बनी थी वो घटना थोड़ा सा बताइए कैसे यहाँ बनी थी, क्या हुआ था? जब
जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, अचानक निधन हुआ जी। हम यहाँ पर उनके कंपनी के और बीएसएफ के जवान और अधिकारी यहाँ आए जी। यहाँ आने के बाद ये हुआ कि इनकी अंत्येष्टि कहाँ जी, तो प्रशासन से अनुमति मांगी गई कि शमशान घाट के बगल में जो पहाड़िया है, हाँ हाँ, इस पर उनका दाह संस्कार होना चाहिए जी। प्रशासन ने इस बात से हीला हवाली की और इनकार कर दिया। हाँ, वो कह रहे थे जहाँ वो शमशान घाट है उसी में करो, घाट है आप वहाँ दाह संस्कार करिए, वहाँ की मिट्टी ला के आप समाधि जहाँ जहाँ बना लीजिए। अच्छा, लेकिन यहाँ नगर के संभ्रांत गणमान्य नागरिक, उनके मित्र रिश्तेदार सब ने इस बात पे अपनी सहमत व्यक्त की कि नहीं, इनका दाह संस्कार यही पहाड़िया के ऊपर पहाड़िया पे होगा जी, यही होगा, यही इनकी समाधि बनाई। अच्छा, इसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों ने भी इस पे इंटरेस्ट लिया और उन्होंने कहा कि जो ये लोग नगर के लोग कह रहे हैं वही माना जाए, वही माना जाए, उसके बाद ही बनी। तब प्रशासन झुका और उन्होंने हम लोगों को यहाँ अंत्येष्टि करने की अनुमति प्रदान की। और इसके बाद नगर पालिका के जो अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, इन लोगों का और नगर के संभ्रांत नागरिकों का जी ऐसा योगदान रहा कि निरंतर इसमें प्रगति होती गई जी। और आज दिलासा सौरभ तिवारी जी के सौजन्य से इनका स्टेचू का भी निर्माण हुआ जो आप देख रहे हैं जी, जी, जी। और आप लोग सब लोग गणमान्य नागरिक इनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए आते हैं जी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रीजनल डायरेक्टर थे। अच्छा अच्छा, ग्राउंड वाटर बोर्ड कहलाता है जो पानी पूरा कंट्रोल करता है, भूजल सर्वेक्षण नहीं, भूजल सर्वेक्षण स्टेट गवर्नमेंट का। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें थे आप? मतलब दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक रहता है सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन, एक हमारा होता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर। तो जमीन के ऊपर बांध नदियों का हिसाब वो लोग रखते हैं और जमीन के नीचे के पानी का हिसाब। जी जी, हाँ गुरुजी, आप भी थोड़ा सा कुछ कैसा हो गया, बाकी आपने भी इसमें बड़ा योगदान दिया है और आप भी लगे रहते हैं, मतलब इसके लिए आप भी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। दर्शन वो सब पूरा है। जी जी जी, शिव कुमार गोस्वामी जी हैं ये, और ये भी बेचारे उसमें पूरा इस उम्र में 75 वर्ष की उम्र आपकी हो गई होगी, 80 हो गई है, और जो है हर कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं और ये बुजुर्गों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमारे कुछ फौजी साथी बैठे हैं, वो भी आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने। रविंद्र सिंह जी हैं, टोपी हटा दीजिए, टोपी, रविंद्र सिंह जी हैं हमारे तो, और आज आए हुए हैं। आप भी कारगिल युद्ध से जुड़े थे, ये थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इसमें? ये बता रहे हैं कि सीज फायर किया था अटल जी ने, उस समय ये घटना घटी थी कारगिल युद्ध के तत्काल बाद। अच्छा, तत्काल बाद की घटना है, बाद की घटना है जी। और ये क्या है कि उस समय सीज फायर हो गया था जी, सीज फायर होने के कारण और थोड़ा सा जैसे हलचल रहती है फौजियों की, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, और कमांडर साहब का एक अच्छा बहुत सराहनीय योगदान कार्य रहा जिसमें वो एक टारगेट रूप में थे और जब वो वहां से मूव कर रहे थे तो एक आईडी ब्लास्ट में अवंतीपुरा के आसपास वहां की घटना है। जी जी जी, हमारे रविंद्र सिंह भी जो है कारगिल युद्ध में रहे हैं और इन्होंने भी उस युद्ध को अनुभव किया है, और ये जो है आज हम लोगों के बीच में है, हमारा सौभाग्य है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए जोशी जी बैठे हैं हमारे, कृष्ण शंकर जोशी जी, ये भी पूर्व फौजी हैं और इन्होंने 1965-71 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये हमारे हुकुम सिंह जी हैं जो एयरफोर्स में थे, अब रिटायर होकर यहीं महोबा में ही इस समय सेवारत हैं, सरकारी सेवारत हैं। ये भी इनको भी आज आए हैं, इनको भी साधुवाद धन्यवाद। और हमारे लाखन सिंह जी भी बैठे हैं और ये भी पूर्व फौजी हैं, सभी लोग यहाँ आज श्रद्धांजलि देने आए। जय हो, जय, चलिए, नमस्कार, सब लोग ओम शिवाय, जय। ये उनके पुत्र हैं दिनेश बुधौलिया जी के, मोहित जी दिल्ली से आए हुए हैं और इस समय हवन में हैं। ये हमारे अंकुर जी, जी भैया अंकुर जी भी आ चुके हैं और जो है खुश रहिए, और श्रद्धांजलि इन्होंने भी अभी दी। हमारे पुष्पेन भाई भी हैं। ये है देखिए शहीद दिनेश बुधौलिया का स्मारक और ये उसका है मुख्य द्वार।
यहाँ से सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं तब ऊपर पहुँचते हैं। पर इस स्मारक को लोगों ने एक अपने मनोरंजन का, दारू पीने का अड्डा बना दिया है। किस तरह से बनाया है वो अभी हम आपको, वहाँ के जो परिजन हैं उनके, आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ आए हुए हैं और उनके परिजनों का दर्द अभी हम आपसे सुनवाएंगे, आपको उनसे बात करके बताएंगे कि किस तरह से वो फील करते हैं।